मेरे पति देव स्टेट हेड है एक लिकर कंपनी में कंपनी किसी किसी कि शराब भी और मतलब भी। <laughs> इंडिया का टाइटल के लिए जो लेडीज जाती हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है कुछ ऐसा होता है आपकी आंखों में हल्के हल्के आंसू दिख रहे हैं मुझे क्या इमो, मतलब इमोशनल हो रहे है अरे नहीं देर आर फीमेल्स जो मतलब अभी उनको पता चला है उसी टाइम स्टेटस डल जाता था कि बीइंग मदर हम सेल्फिश नहीं हो सकते हैं डॉल तो आई नो बट फीमेल्स करते हैं मैटर्स मैंने एक कहावत सुनी है बहुत पुरानी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है क्या ये सच बात है कौन तुझे यू प्यार करेगा जैसे मम्मा करती है आज की स्पीड बॉम्प के जमाने में यार लेडीज ने अपने आपको इतना परफेक्ट बना के रखा है कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वो दो बच्चों की मां है जी हाँ तो हमारे साथ ऐसी एक दो बच्चों की माँ है लेकिन फिलहाल वो बनकर आई है रूपज इंडियन जम्मू का नाम रोशन करके आई है मिसेस प्रेरणा शर्मा है हमारे साथ हाई प्रेरणा कैसी है आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूंगा की ये शादी के बाद मिसिज इंडिया बनने की प्रेरणा प्रेरणा आपको कहाँ से मिली बस प्रेरणा ऐसे मिली कि जॉब करते करते आ... कुछ सालों बाद जॉब क्विट करा मैंने और फ्री ना रहने के लिए कुछ कुछ नई चीजें करना स्टार्ट कर दी कंटेंट क्रिएशन थोड़ी बहुत बुटीक्स के लिए मॉडलिंग और फिर मिसेस जे एंड के फर्स्ट रनर अप रही और फिर वहीं से ठान लिया था कि मिसेस इंडिया के लिए जरूर जाऊंगी एंड हेयर आई जॉब छोड़ी जी तो ये जो भी लोग जॉब छोड़ते ना जिंदगी में बहुत ही बड़ा करके आते हैं आपने बेच सके जॉब कौन सी छोड़ी आपने uh, मैं एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में थी आई वर्क फॉर ट्वेल्व ईयर्स और मेरी डॉटर के बर्थ सेकंड डॉटर के आई माय जॉब क्या क्या yeah. बात है 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 तो तो आपके जो दो दो बेटे हैं हैं तो उनकी उम्र कितनी मतलब बड़े वाले की 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 मेरी दो बेटियां एंड एंड hmm. बड़ी वाली की एज है सेवन, वाली छोटी और अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं निक्सा 16. 16? <laughs> <laughs> नहीं लगती आपको रखा है पता मेंटेन कुछ नहीं है बस थोड़ा सा ये है कि आ, अपने आप को मैं फिटनेस में ज्यादा रखती हूँ रनिंग करती हूँ जिम जाती हूँ और थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ इनकी जिम की वीडियोस भी मैं देखते रहता हूँ मतलब ये मोहतरमा यहाँ पे तो चलो साड़ी पहन के आई है वरना मेरा पूरा मंथन से पुषप्स करवाने का जो कि ये मान ही नहीं पुषप्स कर देते बहुत मजा आता पता जी बिल्कुल ट्राई करूंगी बट सीरियसली सिक्स पैक्स एप्स जो है वो नहीं करते हुए इनके सामने आ रहे हैं तो जिम का कौन सा शौक है आपको जिम का एक्चुअली मुझे शौक है कि आ, मैं थोड़ा आ, अकेले रहना ज्यादा पसंद करती हूँ तो इतना ज्यादा थॉट्स होते हैं कि ज्यादा शेयर नहीं कर पाती मैं लोगों से मतलब अकेले मैं... रहना ज़्यादा पसंद है। <laughs> मुझे अकेले <हाई> बेचारे पति <laughs>

एक्चुअली ऑडिशन मैंने इसके दिसंबर से ही दे दिए थे लास्ट ईयर माइंड में था कि मुझे कुछ करना है तो इनको मैंने खुद ही अप्रोच किया जम्मू से और भी लोग यहाँ इसी प्रोडक्शन से बने थे तो इन्होंने मुझे कहा कि हम आपका ऑनलाइन करेंगे सिलेक्शन आप हमें वीडियोज़ एंड सब कुछ सेंड कर दो तो मैंने सेंड कर दिया वहाँ से सिलेक्शन हुआ इनके ऑडिशन जम्मू में भी हुए थे बट जम्मू में मैंने ऑडिशन नहीं दिया आफ्टर सिलेक्शन मैं झांसी गई झांसी क्या बात है झांसी में जाके लड़की रानी आई है झांसी की रानी, या की रानी? Actually, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तो मेरे husband ने वो लिस्ट का जितना भी, अच्छा। <laughs> तो uh, तो भी प्रोसेस चलता है मॉडलिंग शोज वगैरह रहते हैं तो कई लोग अपनी लड़कियों को नहीं भेजते अपनी बीवियों को नहीं भेजते बहुत सारी मिसकनसेप्शन भी रहती है कि कहीं ना कहीं डिमांड्स आ जाती हैं खास तौर पर जो मिसेज इंडिया का टाइटल के लिए जो लेडीज जाती हैं, उनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा जाता है कुछ ऐसा होता है नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगा ये फील्ड उतना ही अच्छा है जितना कि बाकी फील्ड है हुँ. एज सच जैसे मैंने ट्वेल्व ईयर्स जॉब किया है मैंने बहुत ट्रैवल किया है बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे लोगों के साथ भी रही हूँ मतलब बहुत सारी स्टेट के लोगों के साथ काम किया तो मुझे कोई इतना इसमें यह नहीं लगा कि ये बहुत एक जो हमने वो हाइप किया हुआ है कि अच्छा फील्ड नहीं है like okay. या समथिंग लाइक मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहूंगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहा जाता है नहीं नथिंग लाइक दैट नथिंग बहुत डिग्निटी के साथ आपको वहां पे मतलब लाइक ट्रीट किया जाता है ऐसा आस कुछ भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं नहीं नहीं, नथिंग लाइक दैट तो जब आप इस फील्ड में आगे गई तो कोई कमेंट्स वगैरह कुछ वैसा आपको सुनने को मिला या मतलब लोगों ने कुछ बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला हाँ। बट हाँ जहाँ से सपोर्ट की उम्मीद नहीं थी वहाँ से लोगों ने मुझे आके बहुत सपोर्ट किया हाँ। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस आए कॉन्ग्रेचुलेशन के जिनसे शायद हाँ� मैं बहुत साल पहले कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया, गया था बट जिनसे एक्सपेक्टेड था उनसे उस तरह का मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया किन से आपको एक्सपेक्टेड था मैं वो चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं एज सच में वो नहीं बोलूँगी बट हाँ कुछ लोगों से आपको क्लोज लोगों से उम्मीद होती है कि आपको अप्रिशिएट करेंगे बट आई फील कि आप एक जब स्टेज पे आते हो तो वो अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं देने में वो हेजिटेट करते हैं, आप में ना दिख रहे हैं मुझे? क्या अरे नहीं <laughs> 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 बस पर ये मैंने आ, मतलब यहाँ पहुंच के मुझे लगा कि बहुत लोग आपसे कहीं ना कहीं वो डिसकनेक्ट करना शुरू कर देते हैं जब आप एक पोजिशन पे आ जाते हो तो आप मिसेज इंडिया जीत के आई तो उसके बाद लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो गए मतलब अप्रिसन आपको चाहिए होता है हुँ, हुँ, आपके फ्रेंड्स फैमिली आपको उस तरह से मैं अगर मिनट इस टॉपिक पे और बात की नहीं लड़की रोएगी मुझे लग रहा है तो मैं नहीं चाहता कि फिलहाल मैं आपको रुलाऊं <laughs> वैसा <laughs> मेरा हूँ होने का नहीं है बस हुँ. मेरा ये होता है मतलब मेरा एक मैसेज भी है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज शुरू करना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं ये करूँगी बींग फीमेल तो ये इम्पैक्ट आएगा मेरे से ये डिसकनेक्ट हो जाएगा या मेरे से ये नाराज हो जाएगा डोंट थिंक अबाउट दैट अगर कोई होता है वो रियल होगा तो वो आपके साथ कनेक्टेड होगा आपकी किसी भी स्टेज पे नहीं। नहीं। अगर वो रियल नहीं होगा तो नहीं सोशल मीडिया पे कोई कमेंट नहीं आते क्यों नहीं ये तो नॉर्मल है ना कि दो बच्चों की माँ है ये कर रही है वो ऐसा कुछ आपको देखा नहीं एज सच कमेंट्स नहीं आते बट देर आर टाइम्स जब uh, मैं सोलो बो ट्रैवल करती हूँ मुझे yeah. जॉब से भी जाना पड़ता था टेन टेन डेज भी बाहर रही हूँ माई डॉटर वॉज कुछ सम सेवन एट मंथ्स ओल्ड जब मैं छोड़ के बिहार और लखनऊ गई थी yeah. तो देर आर फीमेल्स जो मतलब अभी उनको पता चला है उसी टाइम स्टेटस डल जाता था कि बींग मदर हम सेल्फिश नहीं हो सकते हैं डॉल तो आई नो बट फीमेल्स करती है, मैंने एक कहावत सुनी है बहुत पुरानी कि औरत ही औरत हैं है? को, को है। है? कुछ करती है कुछ नहीं करती है, क्या बात है? लेकिन आपको इनसे इन बात करूँ ना मुझे इंटरव्यू कहीं ना कहीं अधूरा लग रहा है क्योंकि यार रूप मिसेस इंडिया ये बन के आई है और इनके सर पे अगर वो क्राउन वो ताज ना हो तो कहीं ना कहीं बात जो है वो अधूरी रह जाएगी इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने हाथों से खुद इनको रूप मिसेस इंडिया का ये क्राउन पहनाऊं आपने सेम रिएक्शन देना जब आपको पता लगा कि आप जीते थे ठीक है? 2024 is Mrs. ये! तो ये जो फीलिंग थी आपको मतलब था एक्सपेक्टेड कि आप जीतोगे यार

पॉजिटिव वे में आगे लेके आना चाहती हूँ मतलब अगर मुझसे कोई एक दो लोग भी इंस्पायर होंगे तो मुझे लगेगा कि ठीक है कोई तो है जिसको मैंने इंस्पायर किया और वीमेन की लाइफ खत्म नहीं होती है हम बहुत बार मैं बोलती हूँ हम मदर भी बन जाते हैं डॉटर रोल भी प्ले करते हैं मदर रोल भी वाइफ रोल भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती दे है मैं कहना चाहूँगा लड़के बेचारे हस्बैंड बनते हैं ठीक है उसके बाद सन बनते हैं उसके बाद बाप बनते हैं क्या क्या नहीं बनते हैं तो चलो ठीक है नहीं अगर आप पर देखोगे जेनविनली स्पीकिंग तो, तो, तो मल्टीटास्किंग एक वीमेन की ज़्यादा होती है बिल्कुल होती है एक दिमाग यहाँ पे है अभी मैं यहाँ पे हूँ तो दिमाग में मेरे चल रहा है मेरी छोटी डॉटर को फीवर है उसने पता है, नहीं मेडिसिन खाई है नहीं खाई है नहीं। तो आप एक जगह जगह पर फोकस कर ही नहीं पाते हो नहीं। आपको वो रहता है माइंड में घर जल्दी पहुँचना है एक को डांस क्लास छोड़ना है तो देर इज दैट थिंग की हाँ तो जीवन है कहीं पे पहुंचना है कहीं से निकलना है इसी का नाम तो जिंदगी है, exactly, है exactly. फिलहाल भी होगा तो tell us about your talent, आपने क्या क्या करके दिखाया uh, तो hmm. 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 और फिर टैलेंट hmm. में मैंने डांस किया था <laughs> uh, सुना मैंने गाना भी गाती है। थोड़ा बहुत थोड़ा है बहुत? <laughs> <laughs> थोड़ा एक कोई गाना इस क्राउन में चाहूंगा कि आप कोई गा के सुनाए हमें अरे अच्छा यू मुझे डेडिकेट करना <laughs> नहीं, नहीं। <laughs> चलो मैं ले लूंगा आप सिर्फ गा दो कोई बात हाँ। नहीं हाँ मैं अपनी डॉटर के लिए गाती थी है। uh, is, तू आती है सीने में जब जब आहे भरती हूँ तेरी गल गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ तो कर प्यार करेगा जैसे मम्मा करती है एक तो इतनी मीठी सुरीली आवाज ऊपर से के एस होम स्टोर के कंफर्टेबल बेड पे हम बैठे हुए हैं मुझे पूरी नींद आने वाली थी कसम से मैं कह रहा हूँ हाँ ये मैं उसको तभी हाँ, सुनाती थी जब सुलाना होता नहीं, था नोटिस जा रहा देखो कितने एक तो आप हाँ, शाड़ी हाँ, के साथ हाँ, कहानों भी है, वो भी मैचिंग का लड़कियों का स्टफ ना कभी जिंदगी में रुकता नहीं हमेशा रहता वो रुक ही नहीं सकता मेरी जो छोटी डॉटर है इज फोर तो वो मॉर्निंग से ही हो जाता है आज मैं क्या मैचिंग पहनूंगी और थैंक गॉड कि यूनिफॉर्म पिंक कलर की है तो वो खुशी से पहन लेती है तो आप बेसिकली जम्मू से ही हैं मैं जम्मू से ही हूं। तो देखो जम्मू से हमारी जम्मू की लड़की मिसेस इंडिया 2024 बन के आई है और अगर डोगरी में थोड़ा सा कुछ बोलेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा सो आई वांट यू टू स्पीक इन डोगरी कि आप कहो कि जम्मू जम्मू तो दी गुड़ी मैं कुज इंडिया बनिए okay, आई <coughs> तो नमस्ते जम्मू आये हो मैं जम्मू दी कुड़ी प्रेरणा शर्मा दिखो मिसिज इंडिया रूपस मिसिज इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बनिए आई दी

इंस्पायर जो है वो जरूर कहीं ना कहीं कर चुके होंगे उनको एंड केस होम स्टोर की तरफ से रूप्स मिसेस इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए, प्यारा सा गिफ्ट हैंपर। so लिए वेट कर रहे थे बट आपसे भी उतना ही प्यार है एंड द बेड साइड चैट शो में फिलहाल आज की हमारी गेस्ट थी प्रेरणा शर्मा अगले आने वाले गेस्ट भी और ढेर सारे होंगे फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट्स करके हमें प्यार दीजिए साइनिंग ऑफ ऑन यू गाइज की वॉचिंग द बकलोल टीवी